हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। सो ड्यू टू द सम टेक्निकल इशू, आज कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से मैं फेस रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। बट एनीवेज, आज मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसीलिए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आ गए हम लोग, राइट? तो अब आप यहाँ पे देखें, ये आयरन फ्लाई हम लोग ट्रेड कर रहे हैं इस समय 13 अप्रैल के एक्सपायरी का, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे आपका 13 अप्रैल, 14 अप्रैल और 15 अप्रैल 2 दिन की कंटिन्यूसली छुट्टी है। तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट मार्केट में 4 डेज का एक लॉन्ग वीकेंड है, और इसलिए ये इस वीक की एक्सपायरी एक दिन पहले है, और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में भी हमें सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस ही मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, राइट? अब आप यहाँ पे देखिए, इस ट्रेड के पूरे एडजस्टमेंट मैंने यहाँ टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, तो जो लोग भी टेलीग्राम पे अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आपको रियल टाइम पे सारे एडजस्टमेंट की डिटेल्स मिलती रहे। यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर आपको याद होगा कि जब हमने ये आयरन फ्लाई डिप्लॉय की थी तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस क्या था उस समय, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं हमारा मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या था। और मैं ये सारे लेग्स को हटा देता हूँ एक बार के लिए, ये कुछ इस तरह की हमारी आयरन फ्लाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका मैक्सिमम लॉस 7000 समथिंग का है और मैक्सिमम प्रॉफिट 15000 समथिंग का है, राइट? बट हमने कुछ एडजस्टमेंट किए, और अगर आपने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो आपको इस समय 2500 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। बट हमने क्या किया है, हमने एडजस्टमेंट कर दिए, और एक सेकेंड ये खुल जाने दीजिए, ठीक है। एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो 7000 रुपीज़ पर लॉट का मैक्सिमम लॉस था वो अब ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, 500 रुपीज़ का लॉस बचा हुआ है आप दोनों साइड में। बट आप इसको एक तरह से कंसीडर नहीं करें, क्योंकि कल जब मार्केट ओपन होगा तो हम लोग कुछ एडजस्टमेंट करके इस लॉस को भी कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। इवन आपको इस तरफ भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा दोनों लेग में, राइट? तो कुछ इस तरह से हमने अपना एडजस्टमेंट किया हुआ है, और इस लॉस को आप कंसीडर मत करिए, क्योंकि अगर मार्केट इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हमारा ये जो एक्स्ट्रा लेग एक 36600 का पुट सेल है हम इसको कवर कर लेंगे, और जो भी हमारा थोड़ा बहुत लॉस होगा उसको हम बियर कर लेंगे, उसको हम दूसरे एडजस्टमेंट के थ्रू कम्प्लीटली जीरो कर देंगे, राइट? सो इस समय हमारी आयरन फ्लाई कुछ इस तरह की है, यहाँ पर हमें न कॉल साइड में न पुट साइड में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, 500 रुपीज़ समथिंग ओनली लॉस हो रहा है। हाँ, बट ये सारे एडजस्टमेंट करने की वजह से आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी कम हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपका 4000 और 5000 रुपीज़ कम हो गया है। बट एनीवेज, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हम अपने रिस्क को बचा लें, प्रॉफिट तो धीरे धीरे हमें बन ही जाएगा, राइट? और अगर इस स्ट्रैटेजी में आप देखें तो मैं मान लेता हूँ कि 2 लाख रुपये की ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है, तो 2 लाख का अगर आप 2% निकालें तो हमें सिर्फ 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट करना है इस वीक में, इस पूरे एक आयरन फ्लाई की स्ट्रैटेजी में, राइट? अब हम चलते हैं एक दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर, जो आज हमने इंट्राडे ट्रेड दिया था ग्रुप में। अब एक्चुअली इस ट्रेड में प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों को डाउट हो गया जब मैंने यहाँ पे आपको 38500 का कॉल शॉर्ट करने के लिए दिया था और 36700 का पुट शॉर्ट करने के लिए दिया था, और बोला था कि कंबाइंड एसएल आप 20 पॉइंट्स का रखिए। अब कुछ लोगों को क्या डाउट हुआ कि किसी एक तरफ अगर 20 पॉइंट से बढ़ जाए, जैसे अगर हमने यहाँ पे 38500 का कॉल 81 पे सेल किया है, तो अगर इसमें 20 पॉइंट बढ़ जाए तो हमको हमारा एसएल हिट हो जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं था, मैंने टेलीग्राम में बोला था कि कंबाइंड एसएल, कंबाइंड एसएल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये थोड़ा डाउट हो गया ग्रुप में बहुत सारे लोगों, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप किया कुछ लोगों ने, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये एक डाउट हो गया है ग्रुप में। तो मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी मैं कंबाइंड एसएल की बात करूँ तो हमें कॉल साइड में कितना मिला हुआ है 81, प्लस पुट साइड में हमें कितना मिला हुआ था जब हमने अपना ट्रेड इनिशिएट किया था 68, तो हमें टोटल कंबाइंड प्रीमियम मिला था 149 का। इसमें हमें 20 पॉइंट्स और ऐड कर देने थे, ये हमारा कंबाइंड एसएल था। मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका टोटल प्रीमियम 169 या 170 मान लेता हूँ मैं, 170 के आसपास हो जाए तो आपको इस पूरे ट्रेड से क्लोज कर देना था, राइट? बट कुछ लोगों को, जैसा कि मैंने बताया कि जब मार्केट यहाँ से, एक सेकंड मैं आपको चार्ट दिखा दूँ, जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा तो कुछ लोगों को लगा कि हमारा कॉल साइड में एसएल हिट हो गया और उन्होंने कॉल लेग से एग्जिट कर लिया, जबकि ऐसा नहीं करना था। ये डाउट मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को हो गया, और हो सकता है इसमें मेरी भी कुछ गलती रही होगी। तो मैं कल से जो भी ट्रेड डालूंगा उसको एकदम क्लियरली ऐसा मेंशन कर दूंगा कि ये कंबाइंड एसएल है, और कैसे कैसे एडजस्टमेंट करने हैं वो सारे भी मैं चीज़ें एकदम क्लियर ही डालूंगा उसमें ग्रुप में, सो दैट कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो।
और इस ट्रेड को हमने एडजस्ट करने के लिए हमने अपना 36, जब मार्केट ऊपर जाने लगी तो 36,700 को कवर करके 36,900 का हमने एक एक्स्ट्रा पुट ऑप्शन सेल किया। तो अगर आप देखें, तो अगर आपने इस ट्रेड को प्रॉपरली फॉलो किया होता है तो आपका कुछ ऑलमोस्ट 1,600 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट बना है। इस स्ट्रैटेजी में हमने 1.5-1.6 लाख रुपीज़ यूज़ किए। अगर मैं इसमें से ब्रोकरेज चार्ज और सारी चीज़ें निकाल भी दूँ तो भी 1,500 रुपीज़ के आसपास का आपको प्रॉफिट हुआ, विच इज़ ऑलमोस्ट 1% रिटर्न, राइट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सो ये हम आ गए अपने अकाउंट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल जो भी एडजस्टमेंट हमने किए हैं उसके बाद हमें आज प्रॉफिट हुआ है 54,000 समथिंग का, और इस पूरे ट्रेड को करने के लिए हमारे 45 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हुए हैं, राइट। बट अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अभी सिर्फ ट्रेड का फर्स्ट डे है, अभी इसमें और भी प्रॉफिट आना बाकी है। तो 2 दिन में अगर हमारा ट्रेड सही रहा तो हो सकता है कि हम 3% या 4% रिटर्न भी कमा सकते हैं, अगर मार्केट हमारे फेवर में रहा। अगर मार्केट हमारी रेंज के अंदर रहता है, 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, तो भी हम एटलीस्ट 3% और 4% रिटर्न पर लॉट का कमाएंगे इस पूरे एक ट्रेड में, राइट। सो देखते हैं कि नेक्स्ट 2 डेज में मार्केट किस तरह से मूव करता है और अकॉर्डिंगली हम अपने सारे एडजस्टमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कुछ क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं ज़रूर से आंसर करूंगा, राइट। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।